हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, आज मैं दो मिसल ऑफ वाटर का कंपैरिजन करने वाली हूँ, आपको डेमो दिखाने वाली हूँ। इस वक्त मैंने अपने बाल बांध लिए हैं और मैं बता दूँ, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है ये है गार्नियर स्किन नेचुरल मिसलर क्लिंजिंग वाटर और दूसरा है मेबिलीन मिसलर वाटर, और ये दोनों पिंक वाली पैकेजिंग है और अपने अपने ब्रांड की। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो ये जो गार्नियर का प्रोडक्ट है 125 ml आता है 175 rupees का, मेबिलीन का जो मिसलर वाटर है 425 रुपए का आता है और इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 95 ml। बात करूं तो ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करते हैं, ये ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं, मेकअप को इजीली रिमूव कर देते हैं और कहीं ना कहीं ये दोनों बायोडर्मा के ड्यूब हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं बायोडर्मा मिसल ऑफ वाटर की, बात कर रही हूं मैं। अब बात करती हूं इसकी गार्नियर की। तो ये सेंसिटिव स्किन पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मेकअप को रिमूव करता है, क्लीन करता है स्किन को और इससे क्लीनिंग करने के बाद धुलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए, अच्छी चीज है। और फेस, आई, लिप्स के लिए परफेक्ट है। देर इज नो एडेड फ्रेग्रेंस, नो एल्कोहल। दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड ऑप्थल्मोलॉजिकली टेस्टेड। दिस इज ग्रेट। और ये जो है वो 60 बार इस्तेमाल हो सकता है, 125 ml प्रोडक्ट जो है, इस पर लिखा हुआ है 60 uses। अब बात करते हैं मिसल ऑफ वाटर की। रिमूव्स मेकअप प्लस क्लीन्स, हाइड्रेट एंड सूद। सो ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड दिस इज ऑल्सो ऑप्थल्मोलॉजिकली टेस्टेड। दिस इज ऑयल फ्री, नो फ्रेग्रेंस, एल्कोहल फ्री, फ्रेश एंड ऑयल फ्री। ओके, नो रिंस इवन फॉर सेंसिटिव स्किन। तो दोनों में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी है, बट प्राइस का आप अंतर ये देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग भी और प्रोडक्ट क्वांटिटी भी इसकी ज्यादा है और प्राइस इसका कम है, एंड इसकी बड़ी पैकेजिंग भी आती है। दोस्तों, अब मैं आपको इससे मेरा जो ये मेकअप है इसको रिमूव करने वाली हूँ। जैसा कि मैंने इस वक्त लिप कलर लगा रखा है, दिस इज फ्रॉम सो नेचुरल्स और ये शेड है मेहर। और यदि आपको इसका देखना है लिप स्वैच वीडियो, तो आप मेरे चैनल रारा पर जाकर के सो नेचुरल्स का लेटेस्ट हॉल वीडियो चेक कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों में कौन सा बेटर है। मतलब जो चीज़ें इन पर मेंशन है उसके अकॉर्डिंग तो गार्नियर ही विनर है, बट अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट सामने आएगा उससे पता चलेगा। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं एक कॉटन पर इसको ले लेती हूँ जो कि मेबिलीन मिसल ऑफ वाटर है। ओके, और इससे मैं मेरा लेफ्ट साइड का मेकअप रिमूव करूंगी, लेफ्ट फेस का। ऑलराइट, यदि मुझे आवश्यकता लगी तो मैं इसे दोबारा कॉटन पर ले लूंगी। और दूसरी कॉटन मैंने ली है, इस पर मैं लेने वाली हूं गार्नियर। और गार्नियर की बहुत सारे प्रोडक्ट के रिव्यू मैंने किए हैं, इनफैक्ट मेबिलिन के बहुत सारे प्रोडक्ट के रिव्यू मिल जाएंगे, बट गार्नियर के ऑलमोस्ट सारे स्किन केयर के रिव्यू मैंने किए हैं, जैसे कि शीट मास्क, फेस वॉश। तो ये गार्नियर है एंड ये है मेबिलिन। वाओ, ऐसा लग रहा है कि मैं ट्विन्स प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल अभी तक तो इवन तरीके से काम कर रहे हैं। अब इसको कॉटन को इस तरफ से यूज़ करते हैं, बिकॉज़ ये इधर गंदी हो गई है। तो अब मैं इससे आई मेकअप रिमूव करने वाली हूँ और आईज पर थोड़ी देर रखूंगी इसको प्रेस करके।
आई शेडो एंड मस्कारा जो है वो निकल चुका है, और इसने प्रॉपर एक एक लाइन मस्कारा की रिमूव की है। और ये जो आईलाइनर लगा था ना, ये था मेबलिन का हाइपर ग्लॉसी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। ओके, गार्नियर का जो मिसलो वाटर है, इससे मेकअप रिमूव करते समय पलकें नहीं टूटी हैं, लेकिन इससे एक पलक टूटी है मेरी। ओके, देखते हैं और इसको इसको भी अंदर से थोड़ा ओपन कर लेते हैं। ये फंस गया। ओके, तो ऑलमोस्ट मेकअप जो है वो रिमूव हो गया है, आई थिंक 99%। गार्नियर का जो मिसलॉ वाटर है भाई, इसका प्लस पॉइंट एक ये है कि इससे मेरी एक भी पलक नहीं टूटी है, और इधर मेरी दो पलकें टूट गई हैं। अच्छा ये भी है, बट बात करें कंपैरिजन की तो प्राइस के अकॉर्डिंग गार्नियर विनर है, और गार्नियर जो है वो अफोर्डेबल होने के साथ साथ उसने प्रॉपरली वर्क किया है एंड स्किन को क्लीन कर दिया है। दोनों ने स्किन को इवन तरीके से क्लीन किया है, लेकिन मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी गार्नियर वाला। सबसे पहले आप यही ट्राई करिएगा, इससे आपका बजट नहीं बिगड़ेगा और ये काफ़ी काफ़ी अच्छे से काम करता है। और आई थिंक इसका बड़ा पैक ना, इतना बड़ा आता है वो 400 में आ जाएगा, आई थिंक सो 400 या 300 समथिंग का। इनफैक्ट अगर ऑफ मिला तो आपको 300 के अंडर ही मिल जाएगा गार्नियर का। तो मेबलिन आप ट्राई करना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज मैं आपको गार्नियर रेकमेंड करती हूँ। हैं दोनों बिल्कुल इक्वल वर्क कर रहे हैं एक तरीके से, लेकिन अफोर्डेबल देखा जाए तो, और किस तरीके से काम किया, बिल्कुल स्किन जो है वो एकदम नॉन स्टिकी डीप क्लीन हो गई है, बट फिर भी चेहरे को पानी से तो धुला जा सकता है, अदरवाइज वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। सो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। एंड अगर आप टीनेजर हैं या आप मेकअप रिमूवर अपने लिए ले रही हैं, या आप स्टार्टअप में आई मीन स्टार्टिंग में कोई मेकअप रिमूवर लेना चाहती हैं तो मिसलॉ वाटर लीजिए। किसी भी मेकअप रिमूवर के बजाय जो ऑयल बेस्ड होते हैं या क्रीम बेस्ड या फिर क्लिंजिंग मिल्क होते हैं, उनके बजाय यदि आप मिसलॉ वाटर का भारी मात्रा में प्रयोग करती हैं या सिर्फ मिसलॉ वाटर से मेकअप रिमूव करती हैं, तो कुछ साल बाद आप देखेंगी कि आपकी स्किन एज इट इज उतनी ही खूबसूरत और जवां बनी हुई है। ये एक रिसर्च की बात मैंने आपको बताई है, जो कि मैंने रिसेंटली अभी एक साल पहले ही कहीं पर पढ़ी थी। तब से मैं मोस्टली मेरे लिए मिसलॉ वाटर ही कंटिन्यू करती हूँ, भले ही ब्रांड कोई भी हो, लेकिन मैं मिसलॉ वाटर ट्राई करती हूँ अपनी स्किन पर मेकअप रिमूव करते समय। ऑयल बेस्ड और उस तरीके के मेकअप रिमूवर मुझे उतने पसंद नहीं है दोस्तों, और वो मैं आपको रेकमेंड भी नहीं करूंगी। थैंक यू एंड प्लीज मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट पर प्लीज फॉलो करें, मेरे फेसबुक पेज रारा रिव्यूज पर, और मेरी IGTV वीडियोज देखिएगा। थैंक यू, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।